बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मेरा नाम डॉक्टर फरीदीन है और मैं प्रेसिडेंट प्राइमरी केयर डायबिटीज एसोसिएशन के काम कर रहा हूँ। मेरा आलमी दिन बराए डायबिटीज के हवाले से जो 14 नवंबर को मनाया जाता है, उसका सबसे पहलाव ये है कि चूँकि इस साल 2022 में आलमी दिन बराए डायबिटीज की थीम ये है कि शुगर की बीमारी के बारे में इल्म हासिल करें, यानी कि शुगर कैसे होती है, इसके लिए क्या क्या ख्याल रखना है, इसके लिए किस तरीके से दवाएं खानी है और क्या क्या चीज़ें हैं, वो बहुत अहम है। तो इस साल जो ज़्यादातर जो फोकस्ड होगा आलमी दिन और जो जितने शुगर के माहिरीन हैं उनका शुगर के मरीजों को एजुकेट करना है। एजुकेशन इसलिए ज़रूरी है कि आम बीमारियाँ तो कुछ दिन इलाज करते हैं ठीक हो जाती हैं, लेकिन शुगर की बीमारी चूँकि दायमी बीमारी है, यानी ज़िंदगी भर साथ रहने वाली बीमारी है, तो इसमें मरीज़ को अपना मालिश खुद बनना पड़ता है और इसीलिए जो है वो उसको शुगर की बीमारी के बारे में अपने मालिश से सही मालूमात लेनी चाहिए। और देखा गया है, तहकीक के बाद साबित करती है कि जो मरीज़ शुगर की बीमारी के बारे में ज़्यादा अच्छी मालूमात रखता है और उसके ज़रिए कंट्रोल बहुत उसका अच्छा हो जाता है और उसको शुगर की मुख्तलिफ पेचीदगियों से भी बचाव का सामना रहता है। और इसीलिए मैं यही कहूँगा सबसे कि शुगर के मरीजों से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा शुगर के बारे में सही और मुस्तरद मालूमात हासिल करें और उसके ऊपर अपनी शुगर को कंट्रोल करें। शुक्रिया।